सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बायोलॉजी का ऐसा रिवीजन वीडियो जो आज से पहले आपने ना कभी देखा होगा और ना कभी देखोगे। और ये है पूरी अपनी बायोलॉजी की मूवी जिसको हम आज एंजॉय करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? बहुत सिंपल है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। लेकिन सर हमें तो कुछ समझा ही नहीं। देखो ये है हमारा ये, उसके साथ मिल गया बी, दोनों का लव हो गया और बन गया हमारा सी। इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। रुको रुको, इतना भी इजी नहीं है। देखो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये दोनों भी रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो तो हमको पता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है वो तो हमको पता ही नहीं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले होता है एक प्लांट, उसको आते हैं फ्लावर, उसके बाद वहाँ पे फ्रूट बनता है और फ्रूट से बनता है सीड, और वो सीड से हम मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं। बिना गैमेट्स फॉर्म किए हम नए एनिमल्स या फिर प्लांट्स बना सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर होता है स्पोर फॉर्मेशन, देन नेक्स्ट होता है कटिंग, देन होता है बडिंग, देन होता है फ्रैगमेंटेशन और देन होता है ग्राफ्टिंग। ये सारी जो मेथड्स है इसके अंदर हम नए प्लांट बना सकते हैं, लेकिन विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। कमिंग बैक टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो इसके अंदर होता है फ्लावर। फ्लावर को अगर हम जूम करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इसके अंदर देखो यहाँ पे होते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। देखो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से बनता है पिस्टिल, जिसको कहा जाता है गाइनोशियम, वो होता है फीमेल पार्ट। और एंथर और फिलामेंट से बनता है हमारा स्टेमन, जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, वो होता है हमारा मेल का पार्ट। सो अगर हम ओवरी में जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा ओव्यूल, ये होता है फीमेल का पार्ट। और अगर हम यहाँ पे एंथर पे जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा पोलन ग्रेन। जब ये दोनों गैमेट्स मिलते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फिर उससे बनता है सीड और उससे बनते फिर मल्टीपल प्लांट्स। सो ये दोनों को मिलाने के लिए होता है पोलिनेशन, जिसमें पोलन ग्रेन एंथर से जाते हैं स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे होता है डेवलपमेंट, उसके बाद जाते हैं ओव्यूल में और वहां पे बनाते हैं फ्रूट और सीड। एक साइंटिस्ट था जिनको प्लांट लाइफ से बहुत ज्यादा लगाव था, वो प्लांट्स को देखते रहते थे। उस साइंटिस्ट का नाम है नावास्चिन, और उन्होंने डिस्कवर्ड किया डबल फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन? सो इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन दो बार होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में एक हेप्लोइड मेल गैमेट हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, जो ओव्यूल का पार्ट है और जो बनाता है एंडोस्पर्म, जो कि ट्रिप्लोइड होता है, जो कि सीड के ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं। और दूसरे फर्टिलाइजेशन में जो हमारा दूसरा हेप्लोइड मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है हमारा एक के साथ, जो कि ओव्यूल का पार्ट है, और दोनों मिल के बनाते हैं जायगोट, जो कि सीड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जो न्यू प्लांट में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखता है। एक फ्रूट में एक सिंगल सीड, मतलब सिंगल एम्ब्रियो, लेकिन जब एक फ्रूट में बहुत ज्यादा एम्ब्रियो हो उसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। व्हेन जायगोट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन देन इट्स एपोमिक्सिस, एंड व्हेन फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन देन इट्स पार्थेनोकार्पी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना बेहद ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला होता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है ह्यूमन की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बनती है पेनिस और टेस्टिस से, और यहाँ पे जो स्पर्म है वो यहाँ पे टेस्टिस से निकल के हमारे वॉस डिफरेंस के थ्रू वो जाता है, अलग अलग ग्लैंड्स के सिक्रेशन उसके अंदर ऐड हो जाते हैं उस स्पर्म के अंदर, और बाद में वो उस पेनिस से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकला हुआ लिक्विड को हम सीमन कहते हैं। और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इतना अगर हम जूम करेंगे ओवरी के अंदर तो हमको ये स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ओवरी के दिखने लगते हैं। ओवरी एक कंटिन्यूस साइकिल में होती है जिसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 28 डेज की होती है, जिसके अंदर जो ओवरी के स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, जो कि आप यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो। क्योंकि जो ओवरी है जो ओहम रिलीज करता है वो ओहम हर बार अपनी स्पर्म की राह देखता है, और जिस दिन उसे स्पर्म मिल जाता है उस दिन से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पे जायगोट फॉर्म होता है, जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से न्यू फीटस या फिर बेबी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले 2 सेल स्टेज बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, देन 4 सेल स्टेज, देन 8 सेल स्टेज, देन 16 सेल स्टेज, उसके बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट, देन बनता है फीटस, और इससे हमें एक न्यू एनिमल मिलता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग एनिमल्स। अब हम देखने वाले ऐसे साइंटिस्ट की कहानी की जो खुद में एक मोटिवेशन है, ऐसे साइंटिस्ट जिनका जन्म 1822 में हुआ और जिनका डेथ 1884 के अंदर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा काम किया जेनेटिक्स के अंदर, लेकिन पूरी दुनिया को पता नहीं था कि वो काम क्या था। उनके मौत के बाद ठीक
छह साल बाद मतलब 19 में तीन साइंटिस्ट ने उनका काम फिर से खोजा। उसके बाद पता चला कि ये इंसान ने क्या किया था अपने पूरे वर्ल्ड के लिए जेनेटिक के फील्ड के अंदर, और उस दिन से उस इंसान का नाम पड़ गया जेनेटिक्स के अंदर एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, और उनका नाम है जॉन ग्रेगर मेंडल। उन्होंने बताया जो होमोजाइगस एज वेल एज हेटरोजाइगस दोनों स्टेट में एक्सप्रेस होता है वो जीन होता है डोमिनेंट, और जो सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेस होता है वो जीन होता है रिसेसिव। उन्होंने तीन लॉ दिए। पहले लॉ में उन्होंने बताया कि जब दो इंडिविजुअल्स को हम क्रॉस करेंगे जिनके अंदर एक पेयर का डिफरेंस है दैट इज प्लांट हाइट, तब उससे जो हमें F1 मिलेगा उसके अंदर जो पूरे इंडिविजुअल्स होंगे वो डोमिनेंट की तरह दिखेंगे, इसको ही हम बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंट। दूसरे लॉ में उन्होंने कहा कि जब F1 के अंदर पूरा डोमिनेंट दिख रहा था लेकिन जब हम F1 को अगेन क्रॉस करेंगे और F2 में जो रिसेसिवनेस है वो फिर से लौट आएगा, जिसे हम कहेंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, मतलब गैमेट्स प्योर होते हैं वो मिक्स नहीं होते। तीसरे लॉ में उन्होंने कहा एक पेयर और दूसरी पेयर जीन की एक दूसरे के साथ होती है, उसका इनहेरिटेंस मतलब उसका ट्रांसफर होना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता, जिसको ही हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो व्हाट इज माय लिंकेज, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं उनकी एक ऐसी कैपेसिटी होती है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, उसको कहा जाता है लिंकेज, और इसी को ब्रेक करता है क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्या कि जब दो क्रोमोसोम अपने एक दूसरों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को एक्सचेंज करते हैं, मतलब जो जीन है वो साथ में अगले जनरेशन में जा नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे वो सेपरेट हो जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अगर कोई मैन कलर ब्लाइंड है, मतलब क्या, मतलब वो ऐसा इंसान है जो रेड और ग्रीन ये दो कलर में डिफरेंस नहीं बता सकता, वो दोनों कलर उसे ग्रे दिखाई देते हैं। सोचो ऐसा पर्सन अगर रोड पे गाड़ी लेके चला गया तो क्या होगा। नेक्स्ट है हीमोफिलिक। अगर कोई पर्सन हीमोफिलिक है तो क्या होता है, हीमोफिलिक एक ऐसा डिसीज है जिसके अंदर वो इंसान में ब्लड क्लॉट नहीं होता, मतलब अगर उसको कोई इंजुरी हो जाए तो उससे कंटिन्यूसली ब्लड लॉस हो जाएगा। ये हीमोफिलिया को हम रॉयल डिसीज भी कहते हैं क्योंकि ये रॉयल फैमिलीज है उसके अंदर हुआ था, और ये जेनेटिक डिसीज है जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में होता है। अगली कहानी है DNA की। 19 के दशक में किसी को पता नहीं था कि DNA ही वो सब्सटेंस है जो पेरेंट्स से कैरेक्टर को अपने अगले वाले बच्चों में ट्रांसफर करवाता है। तो DNA जेनेटिक मटेरियल है ये बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लग गए, और उसमें से तीन साइंटिस्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थे ग्रिफिथ, जिन्होंने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और बताया DNA जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा था एवरी मैकलॉड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने DNA डाइजेस्टिंग एंजाइम्स यूज किए। और तीसरा था हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने अपने बैक्टेरियोफेजेस और वायरस को ग्रो करके बताया कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। जो क्रोमोसोम होती है वो बनती है DNA से। DNA से अगर हम छोटा सा पार्ट लेंगे तो उसको हम कहेंगे जीन। उस जीन में से अगर छोटा सा पार्ट अगर हम लेंगे तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। उस न्यूक्लियोटाइड जो बनता है वो अगेन तीन पार्ट से बनता है, पेंटेज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। देखो DNA की साइज बड़ी होती है, न्यूक्लियस की साइज छोटी होती है। अब हमारे पास ये सवाल आता है कि इतना बड़ा DNA छोटे से न्यूक्लियस में बैठेगा कैसे, तो उसके लिए होता है DNA पैकेजिंग नाम का प्रोसेस, जिसके अंदर क्या किया जाता है, ये जो बड़ा DNA उसको कॉइल किया जाता है। और वो कॉइल कैसे होगा, तो DNA और कुछ प्रोटीन्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करवा दिया जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे में बाइंड क्यों होंगे, क्योंकि प्रोटीन होता है पॉजिटिवली चार्ज और DNA होता है निगेटिवली चार्ज, दोनों अट्रैक्शन की वजह से वहाँ चिपक जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम होता है न्यूक्लियोसोम। जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे को ऐसे जोड़ते हैं तो बनाते हैं बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, मतलब जैसे कि एक धागे पे मनी लगाए हुए है। उसके बाद उसके अंदर कॉइलिंग होके उसका बनता है सोलेनाइड फाइबर, उसके बाद उसका बनता है क्रोमेटिड फाइबर, और अगेन सुपर कॉइलिंग होके फिर उसकी बनती है क्रोमोसोम। तो इस तरीके से DNA से बनती है क्रोमोसोम। अगली प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो दो स्टेप के अंदर डिवाइड होती है। सबसे पहली होती है ट्रांसक्रिप्शन एंड द सेकंड वन इज ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस के अंदर DNA से बनता है mRNA, और ट्रांसलेशन प्रोसेस में mRNA से बनता है प्रोटीन। नेक्स्ट प्रोसेस है लैक ओपेरॉन। ओपेरॉन मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन, ग्रुप ऑफ जीन, और लैक मतलब होता है लैक्टोस, मतलब जो लैक्टोस शुगर है वो बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, वो कैसे ब्रेकडाउन की जाती है। क्या आप जानते हो इस सृष्टि पे जीवों की रचना किसने की, कैसे पृथ्वी पर जीव निर्माण हुआ, तो चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। देखो अर्थ पे पहले सजीव सृष्टि नहीं थी, तो फिर सवाल ये आता था कि अर्थ पे लाइफ जीव का निर्माण किसने किया। तो इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट का अलग अलग कहना था, और उन्होंने अलग अलग थ्योरीज भी बताई। सबसे पहली थ्योरी थी स्पेशल क्रिएशन, देन कॉस्मोजोइक थ्योरी, देन थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, देन बायोजेनेसिस, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ,
इस थ्योरी के अनुसार शुरुआती के दिनों में अर्थ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण अर्थ बहुत हॉट थी, लेकिन धीरे धीरे फिर कूल डाउन हुई। अर्थ पे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये एलिमेंट बहुत ज्यादा थे। वो आपस में मिल गए और मिलकर बनाए अमोनिया, वाटर और मीथेन। वो सब आपस में मिलकर बनाया सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड और उनके अंदर रिएक्शन होकर बन गया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। उससे बन गए न्यूक्लियोटाइड, देन प्रोसेल एंड फर्स्ट सेल। और इसी थ्योरी का प्रैक्टिकल करके दिखाया यूरे एंड मिलर साइंटिस्ट ने। हमारे डार्विन साइंटिस्ट कहते थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी रखता है, लेकिन उसको जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ऐसी स्ट्रगल करके ही स्पीशीज में वेरिएशन आता है, और इसमें नेचर भी डिसाइड करता है कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। और यह सब प्रोसेस होने के बाद अंत में हमें एक नई स्पीशीज मिलती है। होमोलोगस ऑर्गन मतलब स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन डिफरेंट, और एनालोगस ऑर्गन मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट एंड फंक्शन सेम। फॉसिल्स मतलब एनिमल के ऐसे पार्ट जो जमीन के अंदर है और जिनका पढ़ाई करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्लांट वाटर रिलेशन। जैसे लैला को चाहिए होता है मजनू, उसी तरीके से प्लांट को चाहिए होता है वाटर। प्लांट को वाटर तीन टाइप से मिलता है, सबसे पहला इम्बिजन, देन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब सवाल ये आता है कि जो वाटर सॉइल के अंदर में है वो ऊपर कैसे जाता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। जे प्रिस्टली नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि ये रूट प्रेशर की वजह से पानी ऊपर जाता है। बोहेम नाम के साइंटिस्ट ने यह कहा कि वो कैपिलरिटीज फिनोमिनन के कारण ऊपर जाता है। डिक्सन और जॉली नाम के साइंटिस्ट ने यह कहा कि वो कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस के कारण पानी ऊपर जाता है। 95% जो वाटर है वो प्लांट के बॉडी से बाहर रिलीज होता है, जिस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन, और ये होता है स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर। नेक्स्ट वन, क्या आप जानते हैं कि प्लांट के ग्रोथ के लिए मिनरल और न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली हार्मोन्स, और वो होते हैं ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइन, इथिलीन एंड एब्सेसिक एसिड। इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट ऑन प्लांट इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट इज नोन एज वर्निलाइजेशन। नाइट्रोजन एनिमल से एनवायरनमेंट में जाता है, एनवायरनमेंट से अगेन सॉइल में जाता है, और सॉइल से अगेन एनवायरनमेंट में जाता है, तो इसे कहा जाता है नाइट्रोजन साइकिल। रेस्पिरेशन सिर्फ सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना नहीं होता। रेस्पिरेशन इस प्रोसेस में हम फूड को ब्रेक करके उससे एनर्जी लेते हैं, और ये प्रोसेस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर होती है। तो आइए चलिए अब देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यह बनती है नोज, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंचाई, लंग्स। अगर हम लंग्स के अंदर जाएंगे तो हमको मिलता है एल्वोलाई, जो कि ग्रेप्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर एल्वोलाई के अंदर चले जाए तो दिखेगा कि यहाँ पे एल्वोलाई और हमारी ब्लड कैपिलरी दोनों के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि बाहर से नोज से जो ऑक्सीजन आ रहा है वो चला जाता है ब्लड कैपिलरी में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो चला जाता है एल्वोलाई में, और जो लंग से फिर बाद में नोज से बाहर निकल जाता है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, तो देखते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट। सो ह्यूमन हार्ट बनता है हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल से, उसके साथ ही साथ वहाँ पे होता है ओर्टा और सुपेरियर एंड इन्फीरियर वेना के बाद। ह्यूमन हार्ट एक मोटर की तरह काम करता है, जिस तरीके से वो पूरे बॉडी का ब्लड लंग्स की तरफ ले जाता है और लंग्स में प्यूरिफाई होकर फिर अपने तरफ लाने के बाद वो बाद में फिर सभी ऑर्गन्स तक पहुँचा जाता है। हार्ट के जो आर्टरीज होते हैं वो ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन जब वो आर्टरीज ब्लड को कैरी कर रहे होते हैं उसमें डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस अगर हो गया तो जो ब्लड है वो हार्ट तक पूरा पहुंच नहीं पाता, जिसको ही हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD, और उससे फिर चेस्ट में पेन होने लगता है, जिसको कहा जाता है एंजिना पेक्टोरिस। क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स ब्रेन की क्यों सुनते हैं? बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आइए अभी पढ़ते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है नर्व सेल, जो इम्पल्स को कैरी करती है। दो नर्व सेल के बीच में जब जंक्शन बनता है और उसमें से इम्पल्स एक नर्व से दूसरे नर्व में ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है स्नैप्स। ह्यूमन नर्वस सिस्टम बनती है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सबका मास्टरमाइंड मतलब कि ब्रेन बनता है तीन पार्ट से, सबसे पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जिस सुंदर आंखों से आप ये वीडियो देख रहे हैं, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। ह्यूमन आई के ऊपर थ्री लेयर्स होती है, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो वो इमेज हमारे लेंस के थ्रू डिटेक्ट होके एक्वस चैम्बर में इन्वर्टेड बन जाती है, जो कि आगे एक नर्व इम्पल्स जनरेट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, और जिससे हमें पता चलता है सामने वाली ऑब्जेक्ट क्या है। जिस कान से आप ये वीडियो सुन रहे हो, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। ह्यूमन आई तीन पार्ट से बनता है, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट एंड इनर पार्ट। सबसे पहले साउंड वेव आती है हमारे एक्सटर्नल ईयर में, उसके बाद वो जाती है हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, जो मिडल में होता है। वहाँ पे थ्री ईयर बोन्स होते हैं,
वो ऑसिलेट होते हैं, उसके साथ ही साथ ये जो वाइब्रेशन है वो कोकलाए में जाता है और वहां पे फिर नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, वो हमारे ब्रेन तक जाती है। हमारे बॉडी के अंदर एक पावर होती है जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी हमें इन्फेक्शन होने से बचाती है। एक होता है एंटीजन जो बाहर से आता है जो डिसीज कॉज करता है, दूसरा होता है एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी के अंदर से सिक्रेट होता है और जो उस एंटीजन को हरा कर हमें इन्फेक्शन से बचाता है। सिमिलरली प्लांट के बॉडी के अंदर भी एक सुपर पावर होती है जो होती है टिश्यू कल्चर, मतलब जिसके अंदर हम एक प्लांट के छोटे से पार्ट से मतलब टिश्यू से हम कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं विद इन अ शॉर्ट टाइम। हाँ, लेकिन एनिमल्स को हम बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पोल्ट्री है, एपिकल्चर है, सेरीकल्चर है, फिशरी है और लैक कल्चर है एंड एक्सेट्रा। अब देखते हैं बायोलॉजी का एप्लीकेशन। जिस तरीके से एक जेरॉक्स मशीन एक पेपर से दो पेपर आराम से बना सकती है, उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर डीएनए भी एक का दो बनता है, जिसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या डीएनए को हम बॉडी के बाहर रेप्लिकेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, वी कैन। सो उस प्रोसेस का नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके अंदर सबसे पहले डीएनए को हीट किया जाता है जिससे डीएनए सिंगल स्ट्रैंड का बन जाता है। उसके बाद वो आरएनए प्राइमर वहाँ पे 3' एंड पे चिपक जाता है और वो जो प्राइमर है वो फिर बाद में न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट करता है और डीएनए का दूसरा स्टैंड बना देता है, और ऐसे करके हमको मल्टीपल स्टैंड मिल जाते हैं विद इन अ शॉर्ट टाइम। अब बढ़ते हैं एनवायरनमेंट की तरफ। देखो, हैबिटेट मतलब ऐसी पर्टिकुलर जगह जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, और नीश एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे पूरा हैबिटेट रहता है। पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते रहते वो एनिमल के अंदर एडाप्टेशन आ जाता है, उस जगह के अनुसार वो खुद को ढाल लेता है। अब थोड़ा पॉपुलेशन के बारे में समझते हैं। नेटेलिटी मतलब होता है बर्थ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन, और मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन। इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे नीचे होता है प्रोड्यूसर, उसके ऊपर होता है प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद होता है टर्शियरी कंज्यूमर। हमारे अर्थ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स हैं। लेकिन जब किसी बंजर जमीन पर नए टाइप के प्लांट्स उगने लगते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओजोन लेयर का डिप्लेशन होने के कारण धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारी अर्थ पे पोल्यूशन बढ़ने के कारण हमको डिफरेंट डिसीज हो रहे हैं। हर मूवी के एंड में हम कहते हैं हैप्पी एंडिंग, लेकिन यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हमको खुद बनाना पड़ेगा। हमारे इंडिया को, हमारे भारत को पोल्यूशन से बचाते हुए हमें एक नए इंडिया की रचना करनी होगी। इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।